ओके गाइस, तो आज की वाली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन टैप हेडशॉट के बारे में। देखो, वन टैप हेडशॉट जितना आप लोग को यहाँ पर सुनने में इजी लग रहा है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो गाइस, आप लोग को इतना तो पता होगा यहाँ पर दो तरीके के डैमेज होते हैं, एक येलो डैमेज एंड एक रेड कलर का डैमेज। एंड अगर देखो येलो में यहाँ पर आप लोग का ज्यादा डैमेज आता है तो आप लोग का एनिमी बहुत ही ज्यादा गोली खाकर ही डाउन होगा। लेकिन अगर आप लोग को रेड नंबर में डैमेज देना आता है तो आप लोग का एनिमी यहाँ पर बस कुछ एक गोलियों से ही डाउन हो सकता है। एंड गाइस देखो, हमारी गेम प्ले में ना बहुत सारी ऐसी गन्स है जिसकी सिर्फ एक ही गोली से हमारा एनिमी जो है वो डाउन हो जाता है, जैसे डेजर्ट ईगल, शॉट गन, वुड पेकर, एसवीडी एंड और भी यहाँ पर बहुत सारी गन्स जिनकी अगर आप लोग एक गोली भी हेड के ऊपर मारते हो ना तो आप लोग का एनिमी बहुत ही इजीली तरीके से डाउन हो जाएगा। गाइस देखो, ये तो मैंने यहाँ पर बात की वन टैप हेडशॉट की, लेकिन आप लोग को क्या वन टैप हेडशॉट मारना आता है? अगर गाइस देखो, आप लोग को वन टैप हेडशॉट मारना आता है तब आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हो। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग यहाँ पर बहुत ही इजीली तरीके से हर एक गन से रेड नंबर में डैमेज दो एंड वन टैप हेडशॉट मारो ना, तो इस वाली वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना बिना स्किप किए हुए। गाइस देखो, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को वन टैप हेडशॉट के बहुत ही यहाँ पर सिंपल एंड इजी से ट्रिक्स बताने वाला हूँ। गाइस देखो, मैं जो आप लोग को आज टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ ना, वो मुझे नहीं लगता किसी भी यूट्यूबरों ने आप लोग को बताई होगी। गाइस देखो, बेसिकली तो यहाँ पर थोड़ा बहुत सभी बताते हैं कि आप लोग को ये सेटिंग करनी है, ऐसे ट्राई करना है, इससे वन टैप हेडशॉट लगेगा। लेकिन गाइस, मैं आप लोग को यहां पर एंड में एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि गाइस आप लोग को यहां पर मेरी बाकी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के बाद ही अप्लाई करनी है, फिर देखना गाइस आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से वन टैप हेडशॉट मार ही लोगे। गाइस मैं पूरा श्योर हूं, अगर आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करोगे, पूरा बने रहोगे, तो आप लोग 110% वन टैप हेडशॉट सीख कर ही जाओगे। गाइस मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं, तो आप लोग भी यार एक लाइक बटन तो दबा ही देना, एंड अगर चैनल पर नए आए हो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल वाले आइकन को ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर सेट भी कर देना। गाइस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए हम लोग वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए जो है स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखो यहाँ पर मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल से तरीके बताने वाला हूँ जो कि आप लोग को बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेंगे। गाइस सबसे पहले तो आप लोग को ये तो पता होगा वन टैप हेडशॉट कब लगता है, जब हम लोग इस ड्रैग को ऊपर की तरफ खींचते हैं या रोटेट करते हैं तब हमारा डैमेज है वो रेड कलर में लगता है एंड उसको वन टैप हेडशॉट बोलते हैं। यार देखो गाइस, आप लोग को ये ड्रैग खींचना किस तरीके से, कितना आप लोग को ड्रैग करना है, कितना नहीं करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। सो फर्स्ट ट्रिक गाइस देखो, मैं आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि आप लोग को ड्रैग कितना करना है, कितना आप लोग को इसे ऊपर लेना है, डाउन करना है, राइट में ड्रैग करना है या फिर नहीं करना है। फर्स्ट ट्रिक गाइस देखो यही रहेगी कि आप लोगों को ड्रैग कितना करना है। एंड सेकंड, अगर मैं यहां पर बात करूं वन टैप हेडशॉट लगाने की, तो गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यार, एम काफी इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग जो क्रॉस हेयर देख रहे हो ना, जो गाइस हमारे जो गन के आगे एनिमी के बिल्कुल बॉडी के पास ये जो गाइस देखो क्रॉस हेयर होता है ना, हमारे एम का क्रॉस हेयर होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइस देखो, मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग को यहां पर आफ्टर फाइटिंग के टाइम गाइस देखो ये क्रॉस हेयर कहां पर रखना है। आप लोग इसे अपने एनिमी से लेफ्ट में रखो या फिर राइट में रखो, बॉडी पर रखो, कहां पर आप लोगों को इसे बढ़िया तरीके से सेट करना है जिससे ड्रैग करते ही एकदम से रेड नंबर में डैमेज आओ। गाइस ये दो तरीके हैं और मैं आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं। तो चलो अभी हम लोग यहां पर ट्रिक नंबर वन की बात करते हैं अपने ड्रैग। तो गाइस देखो, सिंपल सा फंडा है, ड्रैग आप लोगों को किस तरीके से खींचना है ना, जब भी गाइस आप लोग का एनिमी आप लोग के क्लोज में होता है, बिल्कुल क्लोज रेंज में आपके साथ फाइट कर रहा है, आप लोग गाइस देखो हमेशा लंबा ड्रैग करना है एंड रोटेट करते हुए ही ड्रैग करना है, सिंपल ड्रैग कभी भी नहीं करना है। मतलब गाइस देखो, सिंपल सी बात है, जब भी आपका एनिमी आपके साथ बिल्कुल क्लोज में फाइट कर रहा है, अगर आप लोग के पास मान लो डेजर्ट ईगल है या फिर शॉटगन है, तब आप लोग देखो सिर्फ एक चीज देखनी है कि आप लोग का एनिमी जा किस तरफ को रहा है, किस तरफ को मूवमेंट कर रहा है। देखो अगर आप लोग का एनिमी लेफ्ट को जा रहा है ना, तो आप लोग देखो ड्रैग भी लेफ्ट की तरफ ही रोटेट होना चाहिए एंड आप लोग को रोटेट ही करना है, हमेशा याद रखना, सिंपल ड्रैग ऊपर को कभी मत करना। एंड उसी तरीके से अगर आप लोग का एनिमी देखो राइट में मूवमेंट कर रहा है, राइट की तरफ जंप कर रहा है, तो आप लोग को अपना ड्रैग भी राइट की तरफ ही रोटेट करना है एंड थोड़ा ऊपर की तरफ लेकर जाना है। आप लोग एक बार ट्राई जरूर से करना, सुनने में आई थिंक आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमेशा क्लोज रेंज में देखो रोटेट प्रैक्टिस करो, आप लोग का डेफिनेटली वन टैप हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर आप लोग का एनिमी देखो लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ पर बहुत ही दूर आपसे फाइट करे, तब आप लोग को स्ट्रेट ड्रैग करना है, रोटेट ड्रैग बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे कर देखा ना, आप लोग यहाँ पर 10 में से 8% हेडशॉट तो लगा ही लोगे, 10 में से आप लोग का 8 हेडशॉट लगेंगे ही लगेंगे। गाइस देखो काफी इंपॉर्टेंट एंड इजी सी ट्रिक है, आप लोग इसे ट्राई जरूर करना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सेकंड ट्रिक की बात करते हैं कि
आप लोग को अपना क्रॉसियर कहाँ पर रखना है, अपना एम कहाँ पर रखना है। देखो ये क्रॉसियर आप लोग को फाइटिंग के टाइम कहाँ पर रखना है, देखो यहाँ पर आप लोग को क्या होगा ना, क्लोज रेंज में गाइस आप लोग को हमेशा अपना क्रॉसियर अपने एनिमी के लेफ्ट या फिर राइट में ही रखना है। मतलब यार देखो जब भी आप लोग का एनिमी आप लोग के बिल्कुल साथ में अटैच में बिल्कुल क्लोज में फाइट कर रहा है, तब आप लोग का ये क्रॉसियर कभी भी आप लोग की बॉडी के साथ चिपका नहीं होना चाहिए। आप लोग इसे लेफ्ट में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो, थोड़ा डाउन रख सकते हो, लेकिन याद रखना आप लोग अपने रोटेट के हिसाब से ही आप लोग को इसे डिस्टेंस बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग का एनिमी लेफ्ट की तरफ जा रहा है एंड आप लोगों ने राइट में अपना क्रॉसियर बहुत ही ज्यादा दूर रख दिया, बस आप लोग को अपने एनिमी के बॉडी के साथ चिपका कर नहीं रखना है, थोड़ा साइड ही रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखो यहाँ पर बात करें आप लोग का एनिमी काफी दूर है, तब आप लोग का क्रॉसियर हमेशा रेड ही रहना चाहिए, याद रखना आप लोग का जो गाइस ये फायर का क्रॉसियर होगा ना ये हमेशा रेड ही होना चाहिए, आप लोग के एनिमी के बॉडी के साथ ही अटैच होना चाहिए। फिर गाइस आप लोग को यहाँ पर सिंपल सा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है एंड देखना आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से रेड नंबर पकड़ लोगे, वन टैप हेडशॉट डेफिनेटली लगेगा ही लगेगा। तो मैं यहाँ पर गारंटी ले रहा हूँ, आप लोग इसे एक बार ट्राई जरूर करना, फिर देखना आप लोग यहाँ पर वीडियो में आओगे और बोलोगे भाई हमारे वन टैप हेडशॉट लग रहे हैं। वीडियो में यहाँ पर मैंने पहले आप लोग को बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आप लोग एक स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूँ, तो गाइस देखो वो स्पेशल ट्रिक पता है क्या है, आप लोग देखो जब भी अपने एनिमी के साथ फाइट करते हो ना, फिर चाहे वो क्लोज रेंज में हो या फिर लॉन्ग रेंज में, आप लोग अपने माइंड में गाइस ये बात हमेशा सेट कर लो कि आप लोग को सिर्फ वन शॉट ही खेलना है। देखो वन टैप हेडशॉट अलग बात है, आप लोग को वन शॉट मतलब गाइस देखो आप लोग को सिर्फ एक ही बुलेट छोड़नी है, कभी भी यहाँ पर दो दो बुलेट के साथ मत खेलो। अगर आप लोग एक बुलेट के ऊपर आप लोग अगर आदत पड़ गई, देखना गाइस धीरे धीरे आप लोग हर एक गन से वन टैप हेडशॉट मार ही लोगे। देखो प्रैक्टिस राउंड में जाओ, थोड़ी प्रैक्टिस करो, ट्रेनिंग करो, फिर देखना आप लोग गाइस हर एक गन से रेड नंबर पकड़ लोगे एंड आप लोग की गेम प्ले में बहुत ही ज्यादा चेंजिंग जो वो आने वाली है। देखो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी एंड वीडियो जरा से भी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल अगर आप लोग को लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। गाइस मैं मिलता हूँ आप लोग को अब एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।